आज हमारे घर में बने हैं गोभी के पराठे, लेकिन प्रीति का एज यूजुअल गोभी की रोटी विद दही। चलो आज खेलते हैं थोड़ा सा बैडमिंटन। और ये है हमारा आज का लंच, मेरा फेवरेट ब्राउन राइस पुलाव, जो आदि को पसंद नहीं है तो आज हम उसका फायदा उठा रहे हैं। आज हम आदि की पसंद की सोच रहे हैं, जो नहीं पसंद की चीजें बना लेते हैं सारी आज जी। करेले की सब्जी, बैंगन की सब्जी, ब्राउन राइस पुलाव। आदि को रायता भी प्याज का नहीं पसंद, जब आदि आएगा तो ये सब नहीं बना सकते। हाँ, प्याज का रायता भी पसंद नहीं है उसे। अच्छा, इसमें क्या करना होता है एक बार बताएंगे आप? इसको डी स्केल करना होगा हर 30 वाज के बाद। अच्छा, और ये पैकेट, इसमें तीन पैकेट होगा, ये तीन बार यूज होगा आपका, 580 का पैकेट होगा। एसी वैसे खराब हुआ है कि ये इसमें स्केलिंग जो जमता रहा इतने टाइम से, मतलब मे बी 3-4 साल से, 5 साल से जो जमा रहा, जिसकी वजह से ये खराब हुआ। रात के 8:30-9 बज चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं आदि को लेने के लिए। अल्ट्रा लॉन्ग ड्राइव करेंगे। आज तो दिन भी क्या सुपर हेक्टिक था, हमारी वॉशिंग मशीन खराब, वो ड्रम चेंज करने वाला भी आज ही आया, अरविंद का ट्यूसडे भी आज ही, और आदि को लेके भी आ जाना है। इतने आ गए कि अभी जस्ट खत्म हुआ, आठ बजे निकलना था, इतने वाला होगा। 9 बजे हम निकल रहे हैं रात को, तो टाइम लगेगा, काफी दूर जाना है। Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. If you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. फाइनली हमने आदि को पिक कर लिया है, हम जा रहे हैं घर। कैसा रहा आपका आदि स्टे वहाँ पे? सीओसी यानी कि क्लैश ऑफ क्लैंस। सीओसी रहा, कैसा रहा सीओसी रहा? सीओसी रहा क्या होता है भाई? सीओसी नहीं रहा, हमने बहुत सारे मस्ती की। मतलब आज को जो मैंने बल्क को बोला था आइसक्रीम में, मैंने चॉकोबार ले आना, लेकिन वो अमूल की बल्क पता नहीं कौन सी चॉकलेट वाली आइसक्रीम रही थी, इतनी टेस्ट में थी, वो डबल लेयर्ड थी, नहीं चॉकोबार तो कुछ भी नहीं थी उसके साथ। ओह माय गॉड, सो मतलब आपको खूब मजे आए ऐसा लग रहा है ना? हाँ, हम तो सोच रहे थे कि पापा और मैं बात कर रहे थे कि आप आज भी यहीं रुक जाओ, कल सुबह लेट हो गया, मौसा जी ने जाना ही है, तो सुबह मौसा जी यही बोल रहे थे कि रुक जाओ। हाँ, फिर हमें लगा कि यार आप गुस्सा हो जाओगे कहीं फालतू में। हाँ, नहीं, मेरा दिमाग में सेट हो गया। हाँ, सही है। चलो अब हम जा रहे हैं घर को, आदि को हमने पिक कर लिया है। अभी बज चुके हैं रात के 10:30 और अब हम जो है उपासी लेते हुए, यर्निंग करते हुए सब लोग जो है आदि को लेके पहुँचने वाले कर। हाँ, बस अब ऑलमोस्ट पहुँच गए, तो अब हम आज का ब्लॉग, क्योंकि बहुत थक गए हैं, अभी जाके थोड़ा काम वाम भी करना होगा, तो अब आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। बाय, अगले ब्लॉग में बाय।